दोस्तों यह गुड्डी गुड्डी की ज़िंदगी आम लड़कियों की तरह थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी जो किसी लड़की की ज़िंदगी में नहीं घटना चाहिए। गुड्डी की शादी को 6 महीने हुए थे और इनके पति एक सड़क हादसे में ख़त्म हो गए। दोस्तों एक 20 साल की लड़की की ज़िंदगी कैसे नरक हो गई, आइए देखते हैं। ये तो आज जो बेटा तनक का कह गए थे बेटा पापा आते सो कछुलो नहीं कह गए थे, रो रहे थे देख देख के। वे हमसे तो कह गए थे बेटा, लेकिन अब का बता जे तुम्हारे लाने हमें जो तुम्हारा दुख देखो नहीं जात, ना तुम हंस रहे हैं बिल्कुल, ना ढंग से रो पा रहे हैं। हमारी राह से तो जब घाय की इज्जत है सो घाय बनी रहती, पर जैसी तुम्हारी समझ में आवे। का की है दद्दा तुम, हमें तो कछु समझ में नहीं आई कैसी घाय की इज्जत घाय में। जो वह कह वो चाहते बेटा हम के हल्के लड़का के संग जिंदगी बिता लो तुम। अब बेटा हम जा अकेले नहीं बात कर रहे, तुम्हारे पापा से बात कही थी हमने, सुबह हमें तुमसे के आई कह के ये तो दुख हमें देखो नहीं जा तुम्हारो। हमने भगवान को का बिगाऊ तू, जो हमारा संगे तो बुरा को इतना बुरा हुज्जे हम आओ, इतना हमने कहूँ सपना में नहीं सोचो तू कि जे दिन भी हमें देखने आए। काम नहीं मन में बोलवे लगे, कछु लोई लगे बोलवे, अपन तो मैं पतो लूंगा कि लड़का खत्म हो गया सो जो एक दो का अलग से हैं, और जब बहु रोज फिर रही सो जो दो का अलग से पौड़ा हमारे लाने उगे है कछु दुख। मुलार का तो चाट गई है, उगे है कछु को दुख। गम तो खा पहले बात तो सुन ले मोई पूई, समझी जी वो आते सो बैठे या कुल टेम लो चल धलक गई थी जाई काई की। फिर सुन तो ले आराम से बात कह, बहू ना सुन ले बेबा ज्यादा तेज ना बोलो तना, ऐसी लग गई थी चल था फिर दे ही बोले वो पत के कि अब जो कछु होगा सो होगा। एक काम करो के अपने घाय की बात है सो घाय में रंद हो जा, फिर ऐसी बोले भी सो हमने की हमारी तबियत कभी समझ में नहीं आई, खुली खुली बता दे तुम का के वो चाह रहे। सो क्या के भी हल्के पावने हैं सो उनके संग का कह रहे। अब एक लड़का तो चाट लो, अब दूसरा लड़का देखा सो ही चटवा लो। अरे शांत रहना अपन भी का शांत रहे, अब एक लड़का तो चटवा लो, अब तुम दूसरा लड़का चटवा लो, खुद तो राण सी फिरत, तुम हमें ना रोको बता जा। अरे गम तो खा पण में इतना आराम से बात कर ले, आराम से बात कर ले, दुनिया डरी दुनिया में चाहिए है मोई लड़का होगे दिखात है कुल अच्छे ने खा तो लव मुलार का एक थक जा 6 महीना नहीं भाव आए एक बुझा गओ इतना जे जे ओठ बंद कर तुम ए तो ना रहे बा अंत चाहिए है जैसे हाले की लाका को भी घर बस जे मिल जे है दूसरी जब कुल अच्छे नहीं चाहने हमें घर में तो को दुख सा हो नहीं जा बता था कैसे हुगे है दुख दुख नहीं है जी को आदमी खत्म हो जाएगा दुख नहीं रहा। अच्छा मूल लड़का खत्म होगा सो कछु नहीं।
के भारी नप्पन में सी आराम से बात कर ले। मैं तो हजार भी कह दी लेकिन तू हमें कूट ले लेकिन बहू हाना काटने का चूप है। कौन सा मैं लड़का को ब्याह नो होने चार मैं लड़का लड़ गया फिर तरह लेकिन हमें कुल अच्छन से ब्याह नहीं करवाने अपने लड़का को। तेरे पहले मुई पूरी बात तो सुन ले एक दाए लड़का खत्म होगा जैसे अपनो सू के आउने 8 लाख रुपए जा अब तो आउने बहू के खाते में आउने भी। अच्छा 8 लाख आने परमेसी आराम से बात कर तो उसे केवे कह चुकू मैं कभी आने 8 लाख। अरे कौन अपने घर को काम सहायक आई काम आ जब सहायक का पैसा रहा जमी तो वहाँ है। वैसे कितने दिन में आने कब तो साल भर लगी जात के 2 साल लगे के 4 साल लगे जात के 4 दिन लगे जात अपन का कह सकत अब जी कागज कार्रवाई है तीसरे बार में पूरी कह आ तू थे अब उनके पापा के दस्तखत होने थे सो बेकाय आते एक दिन गए थे सो चलतना भीतर है चल मैं समझा देती हूँ हिंदी में। उठ जा खा ले रोटी मुँह को भूख लगी थी संतो लड़का तो पता नहीं है तू बाप जुक्का लगाए फिर रहा हो है का लगाए फिर रहा। अरे तू बाप कह रहा हो कि राण के संगे तू ब्याह करवा दे। कौन राण के संगे बे जी ने मुझे बड़े लड़का के खा लाओ का कह रहा है उसके संगे ब्याह करवा ले। हाँ तू बाप कह रहा हो कि ब्याह करवा दे वही के संगे उसके संगे कैसे ब्याह करवा ले हम जाने उनको बाप आओ तो सब भरात रहो नाट परो मोई लड़का दिखात है बकुल अच्छन जब से आई घर में आगी लग गई घर के भाई वो तो सब ठीक है लेकिन कनुआ पे कनुआ नहीं कही जात तुम भाभी हैं कम से कम राण तो ना कहो खुद सोचो कि तुम्हारा लायका खत्म भाव जब जाके वह राणा भाई है तो मेरी बहू का राण तो ना कहो कम से कम जब अपने घर ही के राण के तो गांव के तो कतई के और कछु सोचो है तुमने तुम्हारा तो एक लायका है तो मैं भी दुख है लेकिन उनके दिल से पूछो कि जी को आदमी खत्म होगा वे कैसो लगा तुझे अगर उनकी जगह पे हमारी बहन के तुम्हारी बिटिया होती तो का हो तू तो अपन उसे राण कहते का नहीं कह सकते ना तो खुद सोचो अपनी बिटिया मानो और वैसे भी जब घर में बहू आउत है तो एक बिटिया ही समान आउत तो किराने इतने अशब्द तो ना बोलो क्योंकि बुरा लग जावे वैसे ही उनके ऊपर दुख को पहाड़ टूटो है वो अपन उखा साता ना बांध के उखा गाई गल्ला दें उल्टो सीधो बोलें तो उनकी आत्मा पे का बीते जाना था तुम कछु देख लड़का हम तो ब्याह उराण के संगे तो बिल्कुल ना होने हैं चाहे कछ हो जाए और उराण ने तो बिल्कुल से हवा कह दिए ब्याह करे गिला ने बात तो बैठी गया है मुँह एक लड़का तो चपट ही लाओ अब दूसरा लड़का देखा सोई खाए गिला ने बैठी है तो उन्हें तो नहीं खाओ जे मम्मी है? अब जो होने आओ तो पैसे लिख के आओ उनकी गलती का है तो बस सोचत है कि हम को सोचत कि हमारा पति खत्म हो जावे तुम बताओ क्या उन्हें सोची हुजे अगर उन्हें सोची होती ऐसी तो वह कह रोती को चाहत के हमारा सुहाग उजड़ जावे को नहीं चाहत के तू खराब औरत होवे लेकिन अपने पति का को नहीं सोचत के जो मर जावे तुम तो वही कोसबे लगी फालतू की बस तुम्हारी बिटिया नोई तो को और की बिटिया है लेकिन आ तो वह बिट गई उकी आत्मा से पूछो जी को सुहाग उजड़ गो और तुम कोसबे लगी हो। हाँ ठीक है हम देख लें जे कछु हुए तो नहीं है कछु ज्ञान अम्मा अम्मा का भाभी कहाँ गई है भाभी नहीं दिखा रही मुझे का पता कहाँ गई सो के तो उठी थी मैं 10 बजे और मैं तो उनको चेहरा दिख ली सुबह काल सी लगन लगाते बिल्कुल
अरे तो पूछ गया है, बता दो कहाँ गई हैं। अब गई हो बा ओतई बेड़ा गोबर ओबर डार में। ठीक है दिखानी नहीं है, सुबह पूछी थी। भाभी एक बात पूछने थी। बोलो। हम का सुन भी लगी, अम्मा का कह रही थी आज हमसे, पता है? का कह रही थी अम्मा, हमें का पता? अम्मा जा कह रही थी कि तुम्हारे पापा और हमारे पापा हमारे तुम्हारे ब्याह की चर्चा कर रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे कैसे कट जाए बिना आदमी के, नहीं कट सका। सुजा सोच रहा है सब जने कि हम और तुम संगे रन लगो, अब हम तो उसमें कछु कह नहीं सकते, बाकी तुम बताओ। अब हम काका में हल्के, हमारी तो कछु समझ में नहीं आ रही। भगवान ने हमें इतने दुख दाए, हम तो बेबी नहीं सह पा रहे। अब भाभी तुम खुद बताओ, इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे कटा थे? जीवन में संगी साथी तो चाहने ही आउ थे, अभी ऐसा भी हो तो कि भाई जब औलाद हो गई है तो उनके सहारे जी लेते। बहुत बड़ी हो जिंदगी, और देखो हमारे बाप मताई हो गए चाहे तुम्हारे बाप मताई हो गए, बाल बच्चन की भलाई के बारे में सोचे थे, तो उनने जो सोचो कि एक ही घर में रहा है, ना घर बदलने आवे और ना नए सास ससुर बदलने आवे, ना कोई कछु के लेवे, सो उनने जा सोची है कि हम तुम्हारा ब्याह करवा देवे। बाकी फिर तुम्हारी इच्छा है। हमारी इच्छा का है जो बड़े बूढ़े के हैं, हम तो उन्हें की कई कहें भी, जो कछु भी के हैं अच्छे के लाने के हैं वो कहें, तो अभी में हम का कह सकत, जैसे मम्मी पापा के हैं हम तो वैसे ही कहें। हाँ वही तो हम सोच रहे, लेकिन हम तो कुछ कह नहीं सकते, का कह देवे। देखो दुख के समय अगर काम में नहीं आए तो कब काम में आए। हमारा तो ठीक है, तुम बता हल्की तुम्हारे मन में का है। अब हमारे मन की पूछ रही हूँ, हमारे मन में तो यही सब जने कह दें वैसे ही हम कर लें। वैसे भी अगर दुख के समय काम ना आए तो जो जीवन का काम को, ओतई रुक जा, कहते आ गई थी कौन नहीं, इतई बेड़ा में गोबर डाल रहे थे। अबे तक तो गोबर डर पाओ मु पतो है डन, चार दिन लड़का के मारे नहीं भाओ और कुतिया सी डोलन लगी पूरे गांव में। हम ना मां कितने गए थे अम्मा, गोबैडा अभी तो गए थे बेड़ा में, अब अगर ना जिए तो फिर वो गोबैडा हो तो को डर रहा, तो जो करने सो हमें जे तो करने। बड़ी कमेरी भाई, तेंगे पूरे घर के समा रहे हैं और जब से आई दिया सो तो बुझा दो बिल्कुल घर को। देख रही खड़ी खड़ी और काय तो अपने मन से शर्म नहीं आऊ कि पूरे में कूड़ा डालो, ऐसा नहीं कि झाड़ू उठा के झाड़ दे और मेरे काम की ना है।